हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के 12th मैच के बारे में जो कि खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और उससे पहले आपको विराट क्रिकेट टिप्स के बारे में बताना चाहूंगा। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके पास आपको मैच की गारंटीड विनर टीम मिलेगी सेशन ऑटोस की रिपोर्ट के साथ। बहुत बढ़िया इनका वर्क है, बिल्कुल जेन्युइन और ट्रस्टेड बंदा है। एक बार जरूर से इन्हें मैसेज करके देखिए, इन्हें मैसेज करने पर आपको यकीनन फायदा ही होगा। तो भाइयों, पहले बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। इस टीम ने इस सीजन 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबले में इन्हें जीत मिली है। पिछले मुकाबले में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था, 224 का इम्पॉसिबल सा लगने वाला टोटल भी इन्होंने चेज कर दिया था। बैटिंग में राहुल तेवतिया ने एंड में कमाल किया था। शुरुआत में स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन ने भी बढ़िया बैटिंग की थी, पर दिक्कत एक जो इनकी टीम में है वो ये कि इन्होंने दोनों ही मुकाबले में 200 से ज्यादा रन बनाए जरूर है, पर दोनों ही मुकाबले उन्होंने बॉलिंग में 200 से ज्यादा रन कंसीड भी किया है। अगर आप हर मैच में 200 के करीब रन कंसीड करते हैं तो आप कितनी भी अच्छी बैटिंग कर ले, कभी ना कभी आपको टूर्नामेंट में दिक्कत जरूर आएगी। इस मैच में इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ, जॉश बटलर, संजू सैमसन, रॉबिन थप्पा, रियान पराग, राहुल तेवतिया, टॉम करन, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनाडकट और अपने बॉलिंग के इशू को देखते हुए मेरे ख्याल से इस मैच में अंकित राजपूत की जगह पे यंग इंडियन पेसर कार्तिक त्यागी को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान अपने बॉलिंग इशू को सॉल्व करना चाहेंगे। बात की जाए केकेआर की तो इस टीम ने एक मुकाबला जीता है, एक मुकाबला हारे है। पिछले मुकाबले में पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती ने बढ़िया बॉलिंग की थी। इनके अलावा दूसरे किसी बॉलर को विकेट तो नहीं मिला था, पर बाकी सभी ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी, जिसके चलते केकेआर के सामने एक छोटा सा टारगेट था, जिसे बड़ी आसानी से केकेआर ने शुभमन गिल की इनिंग के चलते और इसके अलावा उनके साथ में ओएन मॉर्गन ने भी एंड में कुछ शॉट लगाए और केकेआर ने बड़ी आसानी से टारगेट को चेज कर दिया। पिछले मैच में काफी कंफर्टेबली जीत गए थे, इसलिए मुझे नहीं लगता ये कोई भी चेंज करेंगे। तो प्लेइंग इलेवन मेरे ख्याल से शुभमन गिल, सुनील नारायण, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, ओएन मॉर्गन, आंड्रे रसल, पैट कमिंस, शिवम मावी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और कमलेश नागरकोटी। इस मैच की मेरी ड्रीम इलेवन टीम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टीम के बेसिस पर अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। ये मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में और यहाँ पे पिच ने काफी वियर्ड तरीके से बिहेव किया है। हमें दो मैच यहाँ पे टाई भी होते हुए देखने को मिले हैं। टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 2 मैच टाई भी हुए थे और इतना ही नहीं, एक मैच में हमें दोनों इनिंग में 200 से ज्यादा रन भी बनते हुए देखने को मिला है और एक मैच में 160 से कम का टोटल भी डिफेंड होते हुए देखने को मिला है। पर फिर भी अगर हम लोग चीजों को एवरेज आउट करें तो 180 के आसपास का टोटल अच्छा टोटल माना जाएगा। यहाँ पे 2 मुकाबले जैसे मैंने बताया सुपर ओवर में गए थे, पर बाकी के जो 3 मुकाबलों का हमें रिजल्ट देखने को मिला था उन तीनों ही मुकाबले में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबला जीता था। पर फिर भी मेरे ख्याल से इस मैच में पहले बॉलिंग करना ही एक ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा और पहले बॉलिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हाई होंगे। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो दोनों ही टीमें काफी अच्छी है, दोनों ने पिछला मुकाबला जीता है, पर मुझे लग रहा है इस मैच में केकेआर को जीत मिलेगी। मेरा मैच प्रेडिक्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स, पर ये मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन है। राजस्थान की टीम भी काफी अच्छी है और ऐसे में गारंटेड मैच प्रेडिक्शन के लिए आप विराट क्रिकेट टिप्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।